हेलो फ्रेंड्स, रेस टू हेल्प में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अनबॉक्सिंग और सेटअप दिखाऊंगा वायरलेस ADSL 2 प्लस राउटर मॉडम की, जिसको आप BSNL ब्रॉडबैंड कनेक्शन में भी यूज कर सकते हैं एज ए वाईफाई। इस मॉडम को कैसे आप लैपटॉप में एक्सेस करके सेटअप कर सकते हैं वो भी दिखाऊंगा। अगर आप भी अपने ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए सेम वायरलेस वाईफाई मॉडम खरीदना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप इसको ऑफर प्राइस में परचेज कर सकते हैं। तो चलिए इस बॉक्स को ओपन करते हैं। इसमें हमें सबसे पहले तो इंस्टॉलेशन गाइड मतलब इसका मैनुअल मिलेगा और साथ में ही इसका वारंटी कार्ड मिलेगा। साथ में इसके ये एडाप्टर मिलेगा जो कि इसके पावर सप्लाई इनपुट के लिए यूज़ करेंगे। ये इसका मेन मॉडम है, इसको मैं फुल डिस्क्रिप्शन आपको मैं बाद में बताता हूँ। इससे पहले हम देख लेते हैं और इसके साथ में हमें क्या क्या मिला है। तो चलिए हम इस बॉक्स को और थोड़ा फर्दर खोलते हैं। ये देखिए, इसमें एक ग्रे केबल है, एक येलो केबल है। ग्रे केबल RJ11 केबल है, इसको हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए यूज़ करेंगे। और ये जो येलो कलर की केबल है इसको हम लैपटॉप कनेक्ट करने के लिए यूज़ करेंगे। ये साथ में एक ADSL स्प्लिटर है, इसको हम एक तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए यूज़ करेंगे और दूसरा हम इसको टेलीफोन कनेक्ट करने के लिए यूज़ करेंगे। ये हमारा मेन मॉडम है। इसके बैक साइड्स में हमें जो पोर्ट मिलेंगे वो बताता हूँ। एक हमें DSL पोर्ट मिलेगा, 4 LAN पोर्ट मिलेंगे, एक वायरलेस ऑन ऑफ का होगा और एक इस मॉडम का ऑन ऑफ स्विच होगा। और आगे में इसके कुछ LED इंडिकेटर्स हैं, ये ग्लो करेंगे जो हम पीछे इनपुट देंगे। तो इसके हिसाब से ये देखिए, इसके जब हम बॉटम में देखेंगे तो यहाँ पे एक ये हमें रीसेट बटन मिलेगा। इसको अगर हम 10 सेकंड्स के लिए कंटिन्यूस प्रेस करेंगे तो हमारा मॉडम डिफ़ॉल्ट मोड में चला जाएगा। तो इसका डिफ़ॉल्ट मोड क्या है वो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले हम पावर सप्लाई के लिए इसमें अडाप्टर को कनेक्ट करेंगे और इसके ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करेंगे मतलब ऑन करेंगे। तो आगे में इसके एक तो पावर ऑन LED ग्लो करेगी और ये जो दूसरी वायरलेस मतलब वाईफाई वाली LED ग्लो कर रही है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ इसकी पावर सप्लाई दी है और साथ में इसको वायरलेस मोड ऑन है, तो इसलिए ये दोनों LEDs ग्लो कर रही हैं। अभी हम ग्रे केबल को इसके DSL पोर्ट पर कनेक्ट करेंगे और केबल के दूसरे एंड को हम ADSL स्प्लिटर में कनेक्ट करेंगे। यहाँ से हम टेलीफोन भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम येलो केबल को मॉडम के किसी भी लैन पोर्ट पे कनेक्ट करेंगे और दूसरे एंड को हम लैपटॉप के ईथरनेट पोर्ट पर कनेक्ट करेंगे। अब मैं मॉडम सेटअप के लिए आपको ले चलता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन। दोस्तों, अगर आपको अपने मॉडम का IP एड्रेस नहीं मालूम है तो आप मॉडम के रीसेट स्विच को 10 सेकंड्स के लिए प्रेस करें, जिससे वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में चला जाएगा। और इसका डिफ़ॉल्ट IP है 192.168.1.1। अभी मॉडम को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हमें अपने PC का VLAN चेंज करना होगा। के लिए हम दिस PC पे क्लिक करेंगे और फिर सबसे बॉटम में नेटवर्क पे क्लिक करेंगे और फिर सबसे ऊपर राइट में नेटवर्क एंड शेयर सेंटर पर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर हम ईथरनेट पर क्लिक करेंगे तो यह विंडो खुल जाएगा। अभी यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज पर क्लिक करेंगे और साइड विंडो को स्क्रॉल डाउन करेंगे और IPv4 पर जाके उस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए TCP IPv4, इस पर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे हमें IP एड्रेस जैसे हमारा 192.168.1.1 है तो हमें VLAN अपना 1 रखना है, लेकिन IP हमें मॉडम की तरह सेम नहीं रखना है। यहाँ पर हम IP 12 कर दिया और डिफ़ॉल्ट गेटवे में भी हम लिखेंगे 192.168.1 जो कि हमारा VLAN है, और आगे भी हम .1 ही डालेंगे क्योंकि ये गेटवे रहता है, डिफ़ॉल्ट गेटवे रहता है ये। और हमारा सबनेट मास्क यूनिवर्सल है जो वही रहेगा 255.255.255.0। तो अभी हम ओके कर देंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे हमें एक बार फिर से ओके करना है। अगर हम अभी ओके नहीं करेंगे तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। एक बार फिर ओके करेंगे, डिटेल्स में जाके चेक करेंगे तो ये देखिए हमारा जो चेंज हो गया है IP, ये देखिए 192.168.1.12। अभी हम इस विंडो को क्लोज करेंगे और किसी भी इंटरनेट ब्राउज़र को ओपन करेंगे। अभी यहाँ पर हम मॉडम का IP एड्रेस लिखेंगे और एंटर करेंगे। यहाँ पर हम मॉडम का डिफ़ॉल्ट नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे, जो है admin, और ओके करेंगे और आपके मॉडम की सेटिंग्स विंडो आपके PC में खुलकर आ जाएगी। यहाँ पर आपको अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की सेटिंग्स को एडिट करना है और ओके करना है। तो दोस्तों, अगर आप भी सेम वाईफाई वायरलेस मॉडम अपने ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए ऑफर प्राइस में खरीदना चाहते हैं तो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां से इसको ऑफर प्राइस में परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।